यातायात नियमों की जानकारी के लिए चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को यातायात कार्यालय से 5 ऑटो रिक्शा को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक अदित प्रकाश वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया, चार पहिया वहाँ चार आपको जैसा पता ही नहीं, सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और इसमें हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं सड़क सुरक्षा पर और सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी क्रम में आज यातायात पुलिस की ओर से हमने 5 टेम्पो में बैनर और लाउड स्पीकर लगा करके लाउड बैनर लगा करके अवेयरनेस के लिए शहर में जोड़ा छोड़ा है ताकि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके कि वो हेलमेट लगाएँ, तीन सवारी ना चलें, सीट बेल्ट लगा करके चलें और सुरक्षा से रिलेटेड जो भी ट्रैफिक बताई जा रही है, साथ ही उसमें उस हर ऑटो में एक पुलिस वाला है जो कॉम्प्लेट्स लेके बैठा है और कॉम्प्लेट्स को बांटेगा पूरे शहर में। क्योंकि आप जानते हैं हमारा पुराना शहर कंजेस्टेड है, इसलिए ये सोच के ये जगह कम लेती है, इसलिए हमने ऑटो को हायर किया और 5 ऑटो शहर में बता रहे हैं और ये क्रम लगातार आगे जारी रहेगा। हम लोगों को अवेयर करते रहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एक बार और अवेयर करूँगा कि आप जो जुर्माने की राशि है वो बहुत बढ़ गई है। हेलमेट पर 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना है हेलमेट ना पहनने पर और इसी तरह से बाकी मदों में भी बढ़ गई है। इसी की अवेयरनेस चला रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद हम बहुत सख्ती से जुर्माना या इस तरह की पॉजिटिव कार्रवाई भी बहुत तेज